हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, दिस इज करिश्मा पाकानी. वी आर स्टडिंग नाउ आवर चैप्टर फोर. चैप्टर फोर नेम इज द अनफॉरगेटेबल राइटर्स. हम द अनफॉरगेटेबल राइटर्स में दो अलग अलग राइटर्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे. ओके, सो दिस आर द पिक्चर्स ऑफ सम राइटर्स. Can you recognize the people in the above pictures? What are their names? क्या आप इन pictures में इन writers को पहचान पा रहे हो, और अगर पहचान पा रहे हो तो उनके नाम क्या हैं? Have you ever read any of their writings? Discuss. क्या आपने कभी उनकी कोई writing, कोई लिखा हुआ article पढ़ा है, और अगर लिखा है, पढ़ा है तो उसको discuss करें. Students, this chapter is about the two famous writers and will be studying about their lives. Okay, so first understand what is a biography. Biography is written about other people's lives, how they live, their background, the challenges they have faced, etc. Biography has a strong narrative feel like a story, and event follows another. Now read the biography of two very famous writers. Biography दूसरे लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई होती है. ओके, वो कैसे रहते हैं, उनका background कैसा रहा है, उन्होंने अपनी life में कौन कौन सी problems को face किया है. और बायोग्राफी को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है जैसे एक स्टोरी ही है किसी इंसान की, और वो एक दूसरे के बाद इंसिडेंट्स एक दूसरे के बाद आ रहे हैं. स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कम्प्लीटली इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम वर्ड मीनिंग्स एंड सम डेफिनेशंस, एंड दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ योर चैप्टर फोर. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी. तो बायोग्राफी एक ऐसी स्टोरी होती है जो किसी पर्सन के बारे में होती है और रिटन बाय द सेम पर्सन. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी स्टोरी होती है जो एक पर्सन के बारे में लिखी हुई होती है और उसी पर्सन ने लिखी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि बायोग्राफी किसी और पर्सन के लिए लिखी जाती है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी खुद अगर कोई इंसान अपने बारे में लिख रहा है, अपनी स्टोरी लिख रहा है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. वैसे ही बायोग्राफी, अ बायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ समवनस लाइफ बट इट इज़ रिटन बाय समवन एल्स. ये किसी की लाइफ की स्टोरी होती है लेकिन ये लिखता कोई और है. हु हैज़ स्टडीड दैट पर्सनस लाइफ, जिसने उस पर्सन की लाइफ को स्टडी किया है. इट्स रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ऐसे ऑर्डर में लिखी हुई होती है बायोग्राफी जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि एक के बाद एक वाले इंसिडेंट्स, फॉलोइंग इंसिडेंट्स जब बताए जाते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं. स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में कुछ वर्ड मीनिंग्स भी लर्न करेंगे जो आपको कॉपी में नोट भी करने हैं, और चैप्टर में समझते टाइम भी हमें यूज़ आएंगे. एंसेस्ट्रल, ancestral, एंसेस्ट्रल मतलब होता है कि किसी रिलेटिव से अगर हमें कोई अपने दादाजी वगैरह से कोई चीज़, अगर हमें टैलेंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल. कोई टैलेंट या कोई भी चीज़ अगर हमें उनसे मिलती है, हमारे अंदर आती है, तो हम उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल. सेकेंड वर्ड इज़ इलस्ट्रियस, illustrious, इलस्ट्रियस मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाने वाला और जाना पहचाना. थर्ड वर्ड इज़ एफ्लुएंट, affluent, एफ्लुएंट मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ, मतलब कि जो धनी लोग होते हैं, जो पैसे में समृद्ध होते हैं, उनको हम बोलते हैं एफ्लुएंट. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मतलब मोटिवेटेड. जो हम मोटिवेशन देते हैं ना, मोटिवेशन देने के बाद बोलेंगे हम लोग मोटिवेटेड, सो दैट इज़ प्रॉम्प्टेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब होता है एट फिक्स्ड इंटरवल्स. जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं हर दिन हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो एवरी डे
आई ब्रश एवरी डे, यहाँ हर दिन दो बार करते हैं, तो आई ब्रश एवरी डे ट्वाइस। तो ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल। एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स, यूनिवर्स की साइंटिफिक स्टडी को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट मतलब होता है जो लिख पढ़ नहीं सकता, उसको हम इलिटरेट बोलते हैं। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब कि ऐसी चीज़ों पर बिलीव रखना जो रियल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैजिक, तो मैजिक रियल नहीं होता है, हाथ की सफाई होती है, तो वो एक सुपरस्टिशन है। एंग्विश, ANGUISH, इसको हम पढ़ते हैं एंग्विश, इसका मतलब होता है सफरिंग, सफरिंग मतलब प्रॉब्लम्स, पीड़ा। एक्सटेंसिवली, ESTENSIVELY, एक्सटेंसिवली मतलब कवरिंग अ लार्ज एरिया, ज़्यादा एरिया कवर करने वाला। मैसेकर, MASSACRE, इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों का एक साथ अगर मर्डर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं किसी रिवॉल्यूशन में अगर बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो वो मैसेकर बोलते हैं। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब होता है कनेक्टेड। ऑर्फिन, ऑर्फिन मतलब ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं, तो ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं उसको हम लोग ऑर्फिन बोलते हैं। सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग मतलब हमारा रियल ब्रदर और सिस्टर, तो हम उसको सिबलिंग बोलेंगे। शैलो, लैकिंग डेप्थ ऑफ इंटेलेक्ट और नॉलेज, तो शैलो हम उस इंसान को बोलेंगे जिसमें नॉलेज का जो डेप्थ है उसकी कमी है। रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होता है उसको रेजिमेंटेशन बोलते हैं। आइडियल मतलब बिलीफ और प्रिंसिपल, हम अगर किसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, अगर मुझे कोई भी वर्क करना है तो मुझे उसमें ईमानदारी रखनी है, तो ऑनेस्टी इज़ माय प्रिंसिपल। ओके, तो हम जिस चीज़ में बिलीफ रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा आइडियल। ऑटोबायोग्राफिकल, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, तो ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ वो रहेगी जो उस जिस इंसान के बारे में बात हो रही है उसने खुद लिखी है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल बोलेंगे। टर्मोइल, टर्मोइल मतलब स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी, यानी कि ऐसी स्टेट, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम बहुत कन्फ्यूज्ड हैं और हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वी आर इन टर्मोइल। लॉरेट, LAURETE, लॉरेट मतलब अ पर्सन गिवन एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, जिस इंसान को उसकी आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिलता है उस इंसान को हम लोग बोलते हैं लॉरेट, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड लॉरेट। दिस आर ऑल अबाउट द वर्ड मीनिंग्स बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, सो प्लीज स्टूडेंट्स नोट इट इन योर नोटबुक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी रीडिंग आवर चैप्टर 4 कम्प्लीटली। कीप स्टडिंग।